नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्रीटिंग्स, जो कि लिया गया है क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मृदंग से। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हिंदी में भी समझेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ग्रीटिंग्स, अध्याय 2 अभिवादन। नमस्ते। व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते। जब मैं किसी से मिलता हूँ मैं नमस्ते कहता हूँ। नमस्ते। व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग। जब मैं सुबह किसी से मिलता हूँ तो गुड मॉर्निंग कहता हूँ। व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून आई से गुड आफ्टरनून। जब मैं दोपहर में किसी से मिलता हूँ तो गुड आफ्टरनून कहता हूँ। व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग आई से गुड इवनिंग। जब मैं शाम को किसी से मिलता हूँ तो गुड इवनिंग कहता हूँ। व्हेन आई गो टू बेड आई से गुड नाइट। जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ तो शुभ रात्रि कहता हूँ। लेट अस राइट। आइए मिलकर लिखें। मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस। चित्रों को वाक्यों से मिलाइए। फर्स्ट आई कॉम्ब माई हेयर। मैं अपने बालों में कंघी करता हूँ, तो वो ये रहा पिक्चर। आई सी माई टीचर। मैं अपने शिक्षक को देखता हूँ, तो वो ये रहा पिक्चर। आई ईट माई फूड। मैं अपना खाना खाती हूँ, तो वो ये रहा। आई हियर द बेल रिंग। मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो पिक्चर ये रही। आई वॉक टू स्कूल। मैं स्कूल पैदल जाती हूँ, तो वो पिक्चर ये रही। आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलती हूँ, तो वो पिक्चर ये रही। लेट अस राइट। आइए मिलकर लिखें। राइट दीज लेटर्स। इन अक्षरों को लिखिए। सिंग द ABC सॉन्ग अगेन। ABC गाना फिर से गाएं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जे स्मॉल जे, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल ओ स्मॉल ओ, कैपिटल पी स्मॉल पी। तो हमें GHIJKLMNOP, तो इन सभी अल्फ़ाबेट्स को हमें दी हुई जगह पे लिखना है। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है पहले कैपिटल जी और फिर स्मॉल जी। लेट अस स्पीक। आइए मिलकर बोलें। लेटर साउंड, तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पूरे आपको स्क्रीन पे दिख जाए। तो F इज फॉर फॉक्स, ये रही हमारी फॉक्स लोमड़ी। F इज फॉर फुट पाँव। F इज फॉर फिश मछली। G इज फॉर गोट बकरी। G इज फॉर गेट दरवाज़ा। G इज़ फॉर गर्ल लड़की। H इज़ फॉर हाउस घर। H इज़ फॉर हैंड हाथ। H इज़ फॉर हट झोपड़ी। I इज़ फॉर आयरन। I इज़ फॉर आइस बर्फ। I इज़ फॉर इंक पॉट स्याही का बर्तन। J इज़ फॉर जैकेट। J इज़ फॉर जैक फ्रूट, इसे हिंदी में कहते हैं कटहल। J इज़ फॉर जग, ये तो हमारा जग। Say aloud each letter, हर अक्षर को जोर से पढ़िए। Then encircle the picture which begins with the same letter sound. उस चित्र पर गोला लगाइए जो उसी अक्षर से शुरू होता है। जैसे हमें दिया हुआ है G, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा हाउस है, ये हमारी गर्ल है और थर्ड पिक्चर है हमारी आयरन। तो G से क्या स्टार्ट हो रहा है? गर्ल। तो हमें इस पे गोला लगाना है। लेटर F, तो सिमिलरली मैंने इन पिक्चर्स के नीचे भी इनके नाम लिख दिए हैं। फ्लावर, सेकेंड हॉर्स, थर्ड स्टार। सो F से क्या स्टार्ट हो रहा है? फ्लावर। तो इसे हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट लेटर J, तो मैंने सिमिलरली फोटोज़ के नीचे नेम लिख दिए हैं। जैक फ्रूट, सेकेंड B, थर्ड हैंड। सो J से क्या स्टार्ट हो रहा है? जैक फ्रूट। तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट लेटर है H, सो फोटोज़ कौन सी हैं? फर्स्ट कैट, सेकेंड काइट, थर्ड हट। तो H से क्या स्टार्ट हो रहा है? हट। तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। लेट अस सिंग। आओ हम गाएं। हॉप अ लिटिल, थोड़ा उछलो। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, थोड़ा उछलो थोड़ा कूदो, 1 2 3। स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप 1 नी, थोड़ा ठप्पा लगाओ थोड़ा छोड़ो, 1 घुटने को टैप करो। डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड, थोड़ा नाचो थोड़ा मोड़ो, अपना हाथ हिलाएं। यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड, थोड़ी उबासी लो थोड़ा सो जाओ अपने बिस्तर में।
न्यू वर्ड्स नए शब्द, हॉप उछलना, जंप कूदना, स्टैम्प ठप्पा, स्किप छोड़ो, टैप हल्के से मारना, डांस नाचना, ट्विस्ट मरोड़ना, शेक हिलाना, यॉन उबासी लेना, स्लीप सोना। पिक्चर टॉक, सो मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी फोटो एक स्क्रीन पे दिख सके। तो बच्चों आप फोटो में देखिए और बताइए आपको क्या क्या दिख रहा है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लड़की झूला झूल रही है, यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा गुलेल चला रहा है, यहाँ पे नाव चला रहा है बच्चा, और यहाँ पे कागज़ से नाव बना रहा है। तो ये हमारी सेकंड पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ हॉपस्कॉच खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे रोप स्केपिंग खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बॉल से खेल रहे हैं, यहाँ पे बाजा बजा रहे हैं, और यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं। सो हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, चित्र में कितने बच्चे हैं। तो हम देखते हैं कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो आंसर इज 18। वट गेम्स आर दे प्लेइंग, वे कौन से खेल खेल रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग हॉप स्कॉच, जंप रोप। विच इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। आंसर हॉप स्कॉच। सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स, वट आर दे डूइंग, चित्र में कुछ बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। आंसर रीडिंग बुक, ईटिंग लंच। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बच्चे खाना खा रहे हैं और यहाँ बुक पढ़ रहे हैं, खेल नहीं रहे। मैच द एक्शंस विद द पिक्चर्स, चित्रों के साथ क्रियाओं का मिलान करें कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। तो वो ये रहा, शी इज जंपिंग, वह उछल रही है। तो वो ये रहा, ही इज योनिंग, वह उबासी ले रहा है। तो वो ये रहा, शी इज हॉपिंग, वह उछल कूद कर रही है। तो वो ये रहा, दे आर वॉकिंग, वे चल रहे हैं। तो वो पिक्चर ये रही, सीमा इज रनिंग, सीमा दौड़ रही है। तो वो ये रहा, कुमार इज स्ट्रेचिंग, कुमार स्ट्रेचिंग कर रहा है। तो वो ये रहा, द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। तो वो ये रहा, विट्टल इज बेंडिंग, विट्टल झुक रहा है। तो वो ये रहा, द बॉय इज स्किपिंग, लड़का कूद रहा है। तो वो ये रहा, लेट अस प्ले, हम खेलते हैं, हॉप स्कॉच। योर टीचर विल हेल्प यू ड्रॉ द पिक्चर ऑन द फ्लोर, आपका शिक्षक आपको फर्श पर चित्र बनाने में मदद करेगा। यू हैव टू टेक टर्न्स टू जंप एंड हॉप, जंप विद वन फुट इन ईच बॉक्स, आपको बारी बारी से कूदना और कूदना होगा, प्रत्येक बॉक्स में एक पैर रखकर कूदें। स्टार्ट विद वन, एक से शुरू करें, गो टिल यू रीच नंबर 7, देन टर्न अराउंड एंड कम बैक, 7 नंबर तक पहुंचने तक जाएं, फिर घूमें और वापस आएं। इफ यू पुट योर फुट आउटसाइड द बॉक्स देन यू आर आउट, यदि आप अपना पैर बॉक्स के बाहर रखते हैं तो आप आउट हो जाएंगे, यानी कि बाहर हो जाएंगे गेम से। When you were playing one round, जब आप एक राउंड खेल रहे थे, did you jump, क्या तुम कूदे, did you hop, क्या तुमने छलांग लगाई, did you have fun, क्या आपको मजा आया, did you count the numbers while playing, क्या आपने खेलते समय संख्या गिनी। तो इन सब का आंसर है yes। Let us write, चलिए लिखते हैं। Look at the picture and fill in the words from the boxes, चित्र को देखें और बॉक्सों में से शब्द भरें। हमें बॉक्सेस में जो वर्ड्स दे रखे हैं वो हैं डांस, हॉप, स्किप, स्लीप, बेंड, जंप, ईट। तो आप देख सकते हो मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये फिलअप कर दिए हैं ग्रीन से, जो ग्रीन अल्फाबेट हैं। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है एच ओ पी हॉप, सेकेंड हमारा बन रहा है एस के आई पी स्किप, देन हम नीचे जाएंगे हमारा बन रहा है एस एल ई ई पी स्लीप, देन बी ई एन टी बेंड, जे यू एम पी जंप, डी ए एन सी ई डांस, ई ए टी ई। तो बच्चों ये भी आप कर लेना,
और ये मैं दिखाता हूँ आपको, स्किपिंग यहाँ हो रही है, यहाँ जंप हो रही है, यहाँ ईट, बेंड, डांस, हॉप एंड स्लीप। राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द को पूरा करने के लिए मिसिंग अक्षर लिखें। तो वो भी मैंने ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए फिल कर दिया है। जैसे ये है हमारा पेन, तो पी ई एन, ये है कैट, सी ए टी कैट, ये है डॉग, डी ओ जी डॉग। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है टेन, टी ई एन टेन, ये है स्टार, एस टी ए आर, ये है बस, बी यू एस, ये है शिप, एस एच आई पी शिप, ये है जग, जे यू जी जग, ये है फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स। लेट अस स्पीक, आइए मिलकर बोलें। लेटर साउंड्स, अक्षरों की आवाज़। पूरा दिखाने के लिए मैं आपके लिए जूम आउट कर लेता हूँ इसको। सो के इज फॉर कैटल, केतली। के इज फॉर काइट, पतंग। के इज फॉर की, चाबी। एल इज फॉर लीफ, पत्ता। एल इज फॉर लायन, शेर। एल इज फॉर लेमन, नींबू। एम इज फॉर माउथ, मुंह। एम इज फॉर मैंगो, आम। एम इज फॉर माउस, चूहा। एन इज फॉर नाइन, नौ। एन इज फॉर नेस्ट, घोंसला। N is for nose, नाक। O is for owl, उल्लू। O is for ox, bell। O is for orange, संतरा। Notice the initial sounds of the words in each row। प्रत्येक पंक्ति के शब्दों के initial sound पर गौर कीजिए। Find the odd one out, जो इनसे अलग है उसे out कीजिए। तो first हम देखते हैं, C is for cap, M is for mouse एंड एम इज़ फॉर मैंगो। तो यहाँ पर मैंगो और माउस एम से शुरू हो रहे हैं और कैप सी से, तो ऑड वन आउट है कैप। सेकेंड, एल इज़ फॉर लायन, एल इज़ फॉर लैम, एच इज़ फॉर हैंड। अब लायन और लैम एल से शुरू हो रहे हैं और हैंड एच से, तो हैंड है ऑड वन आउट। थर्ड, एन इज़ फॉर नेस्ट, एस इज़ फॉर सिक्स, एन इज़ फॉर नाइन। नाइन और नेस्ट एन से शुरू हो रहे हैं और सिक्स एस से, तो ऑड वन आउट है सिक्स। प्ले टाइम, खेलने का समय। कैन यू डू दिस, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक वन बाय वन। अपने हाथों का उपयोग किए बिना अपनी किताब के पन्ने एक एक करके पलटें। सेकेंड, सिट विद योर पार्टनर, लुक एट ईच अदर्स आईज एंड सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अपने साथी के साथ बैठें, एक दूसरे की आंखों को देखें और देखें कि कौन पहले पलके झपकता है। तो बिना हाथ लगाए अगर आपको पेज टर्न करना है तो आप फूंक मार के मुंह से उसे बदल सकते हैं। लेट अस राइट, आइए मिलकर लिखें। राइट दीज लेटर्स, इन अक्षरों को लिखिए। सिंग द एबीसी सॉन्ग अगेन, एबीसी गाना फिर से गाइए। यहाँ पे हमें गिवन है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल यू स्मॉल यू, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जेड स्मॉल जेड। तो आपको दी गई जगह पे लिखना है और जो आपको एरोज दिए हुए हैं आपको पेंसिल से उसी डायरेक्शन में लिखना है। तो दी गई जगह पे आपको ये सारा लिखना है। लेटर स्पीक, आइए मिलकर बोलें। लेटर साउंड्स, तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको एक पेज पे पूरा दिख जाए। पी इज़ फॉर पेंसिल, पेंसिल। P is for pot, मटका। P is for parrot, तोता। Q is for question mark, प्रश्न चिन्ह। Q is for quilt, रजाई। Q is for quill, कलम। R is for rainbow, इंद्रधनुष। R is for rose, गुलाब। R is for ring, अंगूठी। S is for spoon, चम्मच। S is for swan, हंस। S is for seven, सात। T is for ten, दस। T is for tomato, टमाटर। T is for table, maze। Say the words aloud। Circle the picture with different starting sound। The first one is done for you। शब्द जोर से बोलें। भिन्न आरंभिक ध्वनि के साथ चित्र पर गोला लगाएं। पहले वाला आपके लिए कर दिया गया है। मैंने आपके लिए ग्रीन कलर से वर्ड्स लिख दिए हैं पिक्चर के, जैसे कि फर्स्ट है हमारी फिश, सेकेंड फॉक्स, थर्ड फेदर एंड फोर्थ कैप। तो फिश, फॉक्स एंड फेदर एफ से शुरू हो रहे हैं और कैप सी से, इसलिए कैप पर गोला लगाया है। सो हमने सर्कल कर दिया पिक्चर को जिसका डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट है बी, सेकंड बेल,
थर्ड टोमेटो, फोर्थ बलून। तो बी बेल एंड बलून बी से स्टार्ट हो रहे हैं और टोमेटो टी से, इसलिए हम सर्कल करेंगे टोमेटो को। नेक्स्ट, फर्स्ट है हैंड, सेकंड एंट, थर्ड हट, फोर्थ हॉर्स। तो हैंड, हट एंड हॉर्स एच से स्टार्ट हो रहे हैं और एंट ए से, तो हम एंट पे गोला लगाएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट है क्लॉक, सेकंड पेन, थर्ड पॉट एंड फोर्थ पैरेट। तो पेन, पॉट एंड पैरेट पी से स्टार्ट हो रहे हैं और क्लॉक सी से, तो हम क्लॉक को सर्कल करेंगे। प्ले टाइम, खेलने का समय। होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इस पेज को मिरर यानी कि दर्पण के सामने रखें। डू दे लुक द सेम इन द मिरर, क्या वे मिरर में एक जैसे दिखते हैं? तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ए रखा है मिरर के आगे, वैसे ही अगर आप एच रखोगे तो वो ही सेम लगेगा, बस बाकी आपको मिरर में अलग लगेंगे। सो नेक्स्ट, हमें फ़ोटो दी हुई है, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे लड़की डेकोरेशन कर रही है, यहाँ पे मम्मी बाल बना रही हैं, यहाँ पे दादी बच्चे को नहला रही हैं, यहाँ पे गाय को चारा खिला रहे हैं, यहाँ पे पापा स्कूटर साफ कर रहे हैं, यहाँ बच्चे लट्टू से खेल रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, हु आर देयर इन दिस फैमिली, इस परिवार में कौन कौन है? तो जैसा आप देख सकते हो ग्रैंड मदर, फादर, मदर, किड्स, तो ये सब फैमिली में है। व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉम्बिंग हेयर, यहाँ बाथिंग चल रही है, यहाँ वॉशिंग चल रही है और यहाँ पे काउ को फीड करा रहे हैं, फीडिंग काउ। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, आप अपने परिवार की मदद कैसे करते हैं? तो आप बताइए और लिखिए कि आप अपने परिवार की मदद कैसे करते हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? तो हमें पसंद आया फीडिंग काउ, जैसे कि यहाँ गाय को खिला रहे हैं बच्चे बहुत प्यार से, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेट अस सिंग, आओ हम गाएं। माय फैमिली, मेरा परिवार। मदर, मदर, विल यू प्ले विद मी, मम्मी, मम्मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हाँ मैं खेलूंगी, हाँ मैं खेलूंगी, हम एक परिवार हैं। फादर, फादर, विल यू ईट विद मी, पिताजी, पिताजी, क्या आप मेरे साथ खाना खाओगे? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हाँ मैं खाऊंगा, हाँ मैं खाऊंगा, हम एक परिवार हैं। ब्रदर, सिस्टर, विल यू डांस विद मी, भाई बहन, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगे? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, हम एक परिवार हैं। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, विल यू सिंग विद मी, दादी जी, दादी जी, क्या तुम मेरे साथ गाओगी? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हाँ मैं गाऊँगी, हाँ मैं गाऊँगी, हम एक परिवार हैं। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, विल यू रीड विद मी, दादाजी, दादाजी, क्या आप मेरे साथ पढ़ोगे? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, हाँ मैं पढ़ूंगा, हाँ मैं पढ़ूंगा, हम एक परिवार हैं। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। द स्पैरो फैमिली, गौरैया परिवार। तो ये रही हमारी स्पैरो, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं गौरैया। मामा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट, मामा और पापा गौरैया घोंसला बना रहे थे। दे फाउंड अ सेफ प्लेस, उन्हें एक सुरक्षित स्थान मिल गया। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, छोटा सा घोंसला जल्द ही तैयार हो गया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, यह नर्म और गर्म था। न्यू वर्ड्स, नए शब्द, नेस्ट घोंसला, स्पैरो गौरैया, एग अंडा, ग्रैंड मदर दादी जी, ग्रैंड फादर दादाजी, आंट चाची, अंकल चाचा जी, कज़न चचेरा भाई, मदर माताजी, फादर पिताजी। मामा स्पैरो लेड थ्री स्मॉल एग्स, मामा गौरैया ने तीन छोटे अंडे दिए। वन डे द एग्स ब्रोक ओपन, एक दिन अंडे फूट गए। थ्री लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट, तीन छोटे सिर बाहर निकले। पापा स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम, पापा स्पैरो उनके लिए भोजन लाए। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, आंट एंड अंकल स्पैरो, कजन्स एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोस, दादी दादा स्पैरो, चाची चाचा स्पैरो, चचेरे भाई बहन और दोस्त
सभी स्पैरो के बच्चों से मिलने आए। द बेबी स्पैरोज ग्रू बिगर एंड बिगर। स्पैरो के बच्चे बड़े होते गए। वन डे द बेबी स्पैरोज हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट। एक दिन स्पैरो के बच्चे घोंसले से बाहर निकले। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई। वे बड़े नीले आकाश में उड़ गए। लेट अस स्पीक। आओ बोलें। हु आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कौन कौन है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर एंड सिस्टर। हाउ डू यू हेल्प ईच अदर। आप एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। तो आप बताइए, आप अपने परिवार में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। वट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स बोथ पेटर्नल एंड मेटर्नल। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के क्या नाम हैं, पिताजी की साइड से और माताजी की साइड से। अर्थात आपको चार नाम लिखने हैं यहाँ पे, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी। तो आप वो लिखिएगा। विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस। आप अपने घर के आसपास कौन सा पक्षी देखते हैं। तो हम देखते हैं स्पैरो। इफ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग। यदि आप स्पैरो के बच्चे होते तो आप कहाँ उड़ते हुए जाते। तो आंसर, आई वुड गो फ्लाइंग इन द स्काई। हम आकाश में उड़ने चले जाते। व्हाट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई। आपको क्या लगता है स्पैरो के बच्चे ने आसमान से क्या देखा। द बेबी स्पैरो सॉ हाउस, ट्रीज, रिवर एंड पीपल। स्पैरो के बच्चों ने घर, पेड़, नदियाँ और लोगों को देखा। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग। निम्नलिखित सदस्यों को आप अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं। फैमिली मेंबर्स, घर के सदस्य। जैसे कि मदर को हम कहते हैं मम्मी, फादर को पापा, एल्डर ब्रदर भैया, एल्डर सिस्टर दीदी, ग्रैंड मदर अम्मा, ग्रैंड फादर बाबा, आंट चाची, अंकल चाचू। तो आप अपनी मातृभाषा में कैसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया है ग्रीन में। लेट अस ड्रॉ। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स गिवन। दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाएं। यू मे इंक्लूड एनी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर फैमिली लाइक पेट्स, योर प्लांट्स, ट्रीज इन योर गार्डन और एनी अदर थिंग। आप अपने परिवार के बारे में कोई दिलचस्प चीज़ जैसे पालतू जानवर, अपने पौधे, अपने बगीचे में पेड़ या कोई अन्य चीज़ शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस खाली जगह में बनाना है, आप ड्रॉ कीजिएगा। नाउ टेल योर क्लास अबाउट व्हाट यू हैव ड्रॉन। अब अपनी कक्षा को बताएं कि आपने क्या बनाया है। लेट अस डू। आओ करते हैं। द वर्ड फादर बिगिंस विद एफ साउंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स डेट बिगिन विद एफ साउंड। फादर शब्द की शुरुआत एफ ध्वनि से होती है। निम्नलिखित शब्द पढ़ें जो एफ ध्वनि से शुरू होते हैं। तो ये शब्द हैं एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फेदर, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फुट, एफ फॉर फाइव, एफ फॉर फ्लैग। द वर्ड मदर बिगिंस विद एम साउंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड डेट बिगिन विद एम साउंड। मदर शब्द की शुरुआत एम ध्वनि से होती है। निम्नलिखित शब्द पढ़ें जो एम ध्वनि से शुरू होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं जो एम से शुरू होते हैं। एम फॉर मैन, एम फॉर मास्क, एम फॉर माउस, एम फॉर मून, एम फॉर मंकी, एम फॉर माउथ। रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में शब्द पढ़ें। टिक द वर्ड्स डेट बिगिन विद एफ। एफ से शुरू होने वाले शब्दों पर निशान लगाएं। हमारे एफ से शुरू होने वाले शब्द हैं फिश, पेन, पेस एंड फिंगर। तो इन पे मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिए हैं। सर्कल द वर्ड्स डेट बिगिन विद एम। एम से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला लगाएं। तो एम से कौन से वर्ड शुरू हो रहे हैं। एम फॉर मग, एम फॉर मिल्क, एम फॉर मैप एंड एम फॉर मैट। तो इन चारों पे मैंने ऑलरेडी ग्रीन से सर्कल बना दिए है। ठीक से नहीं बनाए, आप ठीक से बनाना। राइट द वर्ड्स, शब्दों को लिखें। फादर, जैसे कि मैंने ग्रीन में लिखा है फादर, ऐसे ही आपको दो बार लिखना है। तो आपको लिखना है मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। तो ये वर्ड्स आपको लिखने हैं यहाँ पर जो जगह दी गई है। पिक्चर टॉक, चित्र वार्ता। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बाथरूम, लेबल द थिंग्स इन इट। बाथरूम की तस्वीर देखिए, इसमें मौजूद चीज़ों को लेबल करें। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें लेबल कर दी हैं। मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैंने लेबल करी हैं। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ये है शॉवर हमारा, सेकंड हमारा टॉवल, ये रहा, थर्ड टैप नल, ये रहा,
टूथपेस्ट एंड ब्रश, वो हमारे ये रहे, ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा वॉश बेसन हो गया, ये हमारा वाइपर हो गया, ये हमारा साबुन हो गया, ये बकेट, ये मग, ये हमारा टब, ये हमारा स्टूल और ये हमारे स्लीपर्स। तो आप भी इनको लेबल कर लेना अपनी बुक में। व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, टॉवल, टैब, बकेट, मग, टूथपेस्ट एंड ब्रश एंड सो ऑन, तो वो आप लिख लेना। डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, क्या आपको नल का उपयोग ना करते समय उसे बंद करना याद है? तो आंसर इज यस, हमें याद है, जब हमें नल का यूज नहीं है तो हम उसे बंद कर देते हैं। व्हाई शुड वी डू सो, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? आंसर, वी शुड डू सो बिकॉज इट विल रिड्यूस द वाटर वेस्टेज, हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि पानी की वेस्टेज कम हो। लेटर साउंड्स, यू, यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर यूटेंसिल्स, वी, वी फॉर वैन, वी फॉर वास, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वेल एंड डब्ल्यू फॉर वॉल, एक्स, एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन, वाई फॉर याक, वाई फॉर योयो, जेड फॉर जिप, जेड फॉर ज़ेब्रा। नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द नेम्स ऑफ द पिक्चर इन ईच रो, फाइंड द ऑड वन आउट। तो दोस्तों मैंने पिक्चर्स के नेम ऑलरेडी लिख दिए हैं ग्रीन कलर से, जैसे कि शिप, स्पून एंड लीफ। अब शिप और स्पून एस से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका इनिशियल साउंड है एस और लीफ का इनिशियल साउंड है एल, तो ये हमारा ऑड वन आउट है ये वाला। सेकेंड, फर्स्ट पिक्चर है सन, सेकेंड पिक्चर है टोमेटो, थर्ड पिक्चर है टेन, तो टेन और टोमेटो का इनिशियल साउंड है टी और सन का इनिशियल साउंड है एस, तो ये हमारा ऑड वन आउट। नेक्स्ट, फर्स्ट पिक्चर है ट्री, सेकेंड पिक्चर है पैरट एंड थर्ड पिक्चर है पॉट, तो पैरट और पॉट का इनिशियल साउंड है पी और ट्री का इनिशियल साउंड है टी, तो ट्री को हम करेंगे ऑड वन आउट। कलर द पिक्चर्स एंड द लेटर्स, चित्रों और अक्षरों में रंग भरो, तो आपको इनमें कलर करना है और मैंने इन पिक्चर्स के नाम ग्रीन कलर से लिख दिए हैं, जैसे फर्स्ट है ट्री, सेकेंड टेबल, थर्ड टैप एंड फोर्थ टोमेटो, देन हमारा आर, आर फॉर रॉकेट, रैट, रिंग एंड रोज, तो इन सबको आपको कलर करना है। लेट अस थिंक, आइए सोचें, यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट सॉन्ग, लेट अस सिंग इट वाइल रीडिंग द लेटर्स, अल्फ़ाबेट सॉन्ग तो आप सभी जानते हैं, आइए लेटर्स पढ़ते समय इसे गाएं। सो हमारा अल्फ़ाबेट सॉन्ग है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सिंग इट लाउडली, लाउडली फॉर द कैपिटल लेटर्स एंड सॉफ्टली फॉर द स्मॉल लेटर्स, इसे बड़े अक्षरों के लिए ज़ोर से गाएं और छोटे अक्षरों के लिए धीरे से गाएं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेट अस डू, लेट अस मेक पपेट्स, आइए हम कठपुतलियाँ बनाएं। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर टीचर, अपने शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। ए, लेट अस मेक सिक्स थिक पेपर स्ट्रिप्स, दी स्ट्रिप्स मे बी ऑफ एनी कलर, आइए कागज़ की छह मोटी पट्टियाँ बनाएं, ये पट्टियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं। बी, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ड्रॉ फेसेस ऑफ ईच फैमिली मेम्बर ऑन पेपर, अपने शिक्षक की सहायता से परिवार के प्रत्येक सदस्य का चेहरा कागज पर बनाएं। सी, स्टिक ईच पिक्चर ऑन वन एंड ऑफ द स्ट्रिप, द पिक्चर मे हेल्प यू, प्रत्येक चित्र को पट्टी के एक सिरे पर चिपकाएं, तस्वीर आपकी मदद कर सकती है, जैसा कि इस फोटो में दिखा रखा है। डी, यू मे नाउ यूज दीज एज पपेट्स एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स, अब आप इन्हें कठपुतलियों के रूप में उपयोग कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर टू ग्रीटिंग्स यहाँ पूरा होता है। आई नो बहुत लंबा चैप्टर था ये, इसमें काफ़ी टाइम लग गया, बट आई होप आपने पूरी वीडियो देखी हो। मैंने इसे पार्ट्स में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एंड स्क्रीन होती नहीं है, क्योंकि मेड फॉर किड्स वीडियो है तो आपको लगता है कि आधा अधूरा चैप्टर है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए,
ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बड़ों का आदर कीजिए। धन्यवाद।